स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मूली की पकौड़ियाँ। पहले सबसे पहले आप मूली ले लें, इस तरह से बारीक कीस ले उसको। उसके लिए हमको और चाहिए नमक, सरसों का तेल, बेसन, कुछ हरी मिर्चें और अदरक। अदरक करीब आप ऐसे दो तीन टुकड़ा ले लें। इसका हम लोग पेस्ट बना लेंगे और मूली को अच्छे से इस तरह से निकाल निचोड़ के इसका जो एक्सेस पानी है इसको हम लोग निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि मूली हम लोगों ने पूरे अच्छे से निचोड़ लिया है, कितना एक्सेस पानी ये निकला हुआ है, ये पानी हम लोग ड्रेन कर देंगे। अब हम लोग ये मूली जो हम लोगों ने पानी ड्राई करके रखा हुआ है और साथ में और ये जो हम लोग मिर्ची और अदरक का दरदरा पीस के बनाया हुआ है इसको हम लोग निकाल लेंगे। साथ ही साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक बहुत थोड़ा क्योंकि मूली है तो बहुत ज़्यादा नमक की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। और साथ में बेसन और इसको अच्छे से हम लोग मत लेंगे और जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसको मत के हम लोग इसका छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से गूंथ लिया है। अब कढ़ाई में मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसको हम लोग ऐसे छोटा छोटा गोला काट काट के इसको ऐसे हाथ के ऊपर रख के गोला बना के ऐसे करके आप इसको फ्राई कर लें। आप उतार लें और देखिए बनके तैयार है हमारी मूली की पकौड़ियाँ। आप इसको हरी चटनी या फिर टमाटो सॉस या फिर कोई भी डिप के साथ सर्व करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें।